हर हर महादेव। मैं इस साल 2023 में मई जून में चार धाम का एक राउंड मारने आया था, क्योंकि हमारा एक प्राइवेट ग्रुप है जो कि निकल चुका है। आज 15 तारीख है, 15 मई, और हमारा एक ग्रुप है जो यमुनोत्री निकल गया है, और मैं यहाँ पे लाइन में वेट कर रहा हूँ गंगोत्री जाने के लिए, क्योंकि लाइन अभी एक घंटे से यहीं खड़ी है। आगे एक ही पासिंग है जिसकी वजह से आने वाले लोगों को पहले पासिंग दी जा रही है। शाम के बज चुके हैं 5, तो उन लोगों को नीचे भेजा जा रहा है, फिर हम ऊपर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपको हॉल्ट मिलेंगे चार धाम में। सो जो आपको गूगल मैप पे रास्ता दिखा रहा है उसमें आप प्लस 2 आवर्स 3 आवर्स कर सकते हो। अपने साथ पानी की बॉटल भी रखिए और खाने के कुछ स्नैक्स भी ज़रूर रखिए। इसीलिए थोड़ा वेदर कंडीशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखो तो ये पूरा क्लाउडी हो रखा है, ग्रेस क्लाउड हो रखा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये गंगोत्री का रास्ता, यहाँ पे क्लाउड्स निकल गए। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे अगर हुई तो हुई, रेन हो सकती है, इफ़ नॉट अगर स्नोफॉल नहीं है तो। नाव जो स्नोफॉल पहले हो चुकी है वो पिघल रही होगी, तो अगर हम जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे, अगर वो इस मौसम में आएंगे तो उनको कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट तो होगा, तो इसलिए थोड़ा वेट करेंगे। और इस बार हम चारधाम की यात्रा जून के एंड में अगस्त सितंबर में करेंगे। तब तक के लिए प्राइवेट ग्रुप जितने और जितने भी यंग लोग हैं, जैसे अभी मेरे साथ ये दोस्त हैं कोलकाता से आए हैं, तीनों के तीनों, दो इसमें यूट्यूबर्स हैं, सो ऐसे यंग लोग जो हैं वो, उनके लिए मौसम बेस्ट है। आप आ सकते हो, आप अपनी बॉडी की लिमिटेशंस कैपेबिलिटीज़ टेस्ट कर सकते हो, और ऐसे इंतज़ारों में अपनी पेशेंस भी चेक कर सकते हो। अब मैं गौमुख जाऊँगा, गंगोत्री जाऊँगा, वहाँ पर गौमुख जाने की तैयारी करूँगा, क्योंकि ये जो हमारे साथ यात्रीगण आ रहे हैं चार धाम में, जो आज यमुनोत्री पहुँच चुके हैं, ये परसों पहुँचेंगे गंगोत्री, और इनको मुझे लेके जाना है माँ गंगे के पास। उनको गौमुख का ट्रैक कराऊंगा, उनके लिए क्या तैयारी करनी है मुझे, वो दो दिन पहले मैं यहाँ के कर रहा हूँ। आज शाम को पहुँच जाऊँगा, कल से मैं तैयारी शुरू कर दूँगा। और ये जो एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ लंबी लंबी लाइनों का, ये आपको बताता रहूँगा। अभी पास खुल चुका है, ऊपर से गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, उसके बाद हम निकलेंगे आगे। हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरी सवारी आ चुकी है। गंगोत्री में इन लोगों का हो गया, यमुनोत्री इन लोगों का हो गया, गंगोत्री के आज मैं दर्शन करा रहा हूँ। और हमारे इस टाइम के टीम लीडर, द वेरी ओल्ड द वेरी स्पेशल हरिओम गौरव गुप्ता, एंड यमुनोत्री करके भाई इन्हें गंगोत्री लेके आए हैं। गंगोत्री में अब इनको हम एक दिन स्टे कराया है एक्मेटाइजेशन के लिए। अब उसके आगे हम जाएंगे गौमुख, जहाँ पे माँ गंगा के इनको दर्शन कराएंगे, और उसके बाद हम प्लान आउट करेंगे कि केदारनाथ हो, क्योंकि अभी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं केदारनाथ हो। हमारी भी पूरा केदारनाथ चारों धाम जाएँ, प्रभु की इच्छा, ध्यान का बुलावा हमारे जरूर। क्या बात है, तो अभी सूर्यकुंड पे हैं हम।
बहुत ठंड है भाई गंगोत्री में। एक जगह हमारे पास केटल है जिसमें से धुआं निकल रहा है, एक जगह ये स्लीपिंग बैग लेके लेटा। भाई साहब आप मुंडी निकालोगे आप? हीटर लगा रखा है सामने पर स्लीपिंग बैग में सोना है। मैं तो कह रहा हूँ टेंट लगाओ ना यार, तुम इतना सामान लेके आओ टेंट लगाओ कमरे में, ये अलग कॉल।